अहलन व सहलन एल वर रमज़ान पहला रमज़ान मुबारक हो आप सबको हाउ आर यू माय यू फैमिली होप विल बी फाइन इंशाल्लाह तो मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पकोड़े जो बहुत ही ज़्यादा पुरजोश डिमांड पर बनते हैं सबको लिए सबके फेवरेट होते हैं और सबने ने लाज बनाने होते हैं इसके लिए मैंने लिए चार चम्मच बेसन लिया इसके अंदर नमक मिर्च हल्दी और ज़ीरा और कचवाइन डालकर इसको मैंने बराबर मिलाने के बाद इसके अंदर मैंने डालना है पानी और उसके बाद इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर साइड पर रख लेना है ये देखें ये बन गया स्मूथ पेस्ट और इसको आपने बनाकर सबसे पहले इसका काम हमने करना होता है क्योंकि इसने थोड़ा सा आ, सेट भी होना होता है उसके बाद मैंने लिए हैं चार आलू उनको फिर मैंने कटर की मदद से इसके स्लाइसेस काट लेने हैं इसी तरह से आप भी काट लीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो छुरी की मदद से कर लीजिएगा वैसे कटर तो होते ही हैं सबके पास तो इसे जल्दी काम हो जाता है ये मैंने सब कर लिए हैं उसके बाद इनको रख देंगे साइड पर छोटी छोटी सी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है रमज़ान में अफ्तारी के तौर पर इसको हम बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना किरदार निभाती हैं आ जाते हैं जी समोसे की तरफ़ समोसे जो आलू के बने होते हैं और इसको लिए हमने पाँच बॉयल आलू लिए हैं उनको अच्छी तरह मैश करने के बाद उसके अंदर डालेंगे खलौंजी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालती हैं सब दूसरी चीज़ें डालेंगे अजवाइन ज़ीरा डालेंगे सफेद ज़ीरा जो होता है नमक डालेंगे हसबी जय और ये जाएगी कुी हुई मिर्चें जो थी जिसको चिली फ्लैक्स कहते हैं दड़ा मिर्ची भी कहते हैं और यह है साबुत धनिया इसको हाथ की में से क्रश करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसी तरीके से तेज़ रफ्तार से हमने काम करना होता है रमज़ान में रफ्तारी के टाइम ये इसके अंदर हल्दी और थोड़ी सी पीसी हुई मिर्चें क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और हमें काम ज़्यादा करना होता है इसीलिए हाथ हमारे जल्दी जल्दी चलने चाहिए और फटाफट से ये चीज़ें करके हमने अगर पहले ही रख लेते हैं तो और अच्छी बात है मगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके नई चीज़ें तैयार नहीं की तो हम फौरी तौर पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं ये बना रही हूँ समोसे की साइड मैंने चेंज करते है उसकी शेप देते हुए साइड पर मैंने लगाया है आटे का जो बना कर रखते हैं बैटर बाद पला सा बैटर बना कर रखें जिससे कि इसको बाइंड करने में आसानी हो जाए उसकी कॉर्नर पर लगाएं अच्छी तरह से फिल करें और ये जो हमने कोन बनाई है समोसे की उसको एंड में उसको बैटर को बंद लगा कर उसको बंद करते हुए साइड पर लगाते जाएं इसी तरीके से मैंने बाकी समोसे भी इसी तरीके से तैयार कर लिए उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसी तरह से हम बना कर रख लेंगे दूसरी तरफ हमने ऑयल ऑलरेडी ऑयल को बॉयल होने रखा हुआ था और जो हमने आलू के चिप्स बनाने हैं पकोड़े तो बनाने हैं आलू के वो जो बनाकर आपको दिखा रही हूँ साथ साथ इसी तरह तो से इस लाइट गोल्डन कलर हमने इसका कर लेना है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये देखें एक चीज़ हमारी तैयार हो चुकी है इसी तरीके से अब हमने दूसरी चीज़ें भी तैयार करते जाएंगे क्योंकि अफ्तारी का टाइम जैसे जैसे करीब आता जाता है तो हमारे सारी चीज़ें भी इसी तरह से फटाफट से तैयार होती चली जाती हैं ये जो मैंने समोसे बना कर रखे थे ये भी हम बारी बारी से इसके अंदर डालेंगे और उनको फ्राई करते चले जाएंगे जाएँगे जी इसी तरीके से हमने इसको भी हल्का सा चलाना है और हमारी जो ऑयल की जो कढ़ाई है उसको हमने ठंडा नहीं होने देना उसको इसी तरह से फ्री हीट होते रहना चलते रहना चाहिए जिससे कि हमारे जो पकौड़े हैं वो फटाफट से तैयार हो जाएँ और उनके अंदर कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और इस तरह क्या होता है कि हमारे टाइम की भी बचत होती है अगर हम ठंडा हो ऑयल करने के बाद फिर दोबारा इसको गर्म करते हैं तो इस तरह से एक तो टाइम भी हमारा ज़्यादा लगता है और ऑयल का बैलेंस ख़राब हो जाता है आ जाते हैं लास्ट में हमने बनाने हैं पापड़ जो छोटे बच्चों के लिए फेवरेट होते हैं और हम बड़े भी इसको बड़े शौक़ से खाते हैं जो आम मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और ये हमारे इस तरह से कम वक्त में हमारे तीन इंग्रेडिएंट्स तीन हमारी इफ्तारी बनकर तैयार हो चुकी है उम्मीद है आपको मेरी आज की झटपट से तैयार होने वाली इफ्तारी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को भेजिएगा सब्सक्राइब लाइक शेयर बटन बटन दबाइएगा मुझे दुआ में याद रखिएगा ओके फिर हाफिज़